Hello, welcome to my channel Mathsomatic, Mixed Math Easy. Today we will study class 8 chapter 12 exponents and powers exercise 12.1 all questions solved. Aaj hum log padhenge exercise 12.1. First question dekhiye kya bolta hai. Evaluate 3 to the power minus 2 minus 4 to the power minus 2 1 by 2 to the power minus 5. इसको हमको इवैल्यूएट करके आंसर निकालना है. कैसे होगा आइए चेक करते हैं. ये है मेरे पास एक्सरसाइज 12.1. फर्स्ट क्वेश्चन 1 का 1 हमको दिया हुआ है. क्वेश्चन में 3 टू द पावर माइनस 2, पावर में है माइनस 2. अगर ये माइनस में है तो इसको प्लस में कैसे करेंगे. अगर हम लोग इसको 1 से डिवाइड कर देंगे और उसको नीचे लेके चल जाएंगे तो ये मेरा बन जाएगा पावर प्लस में. तो ये हो गया है 1/3 to the power 2. इसका मतलब होता है 1/9. ठीक है, 3 का स्क्वायर होता है 9. नंबर 2 देखिए, -4 to the power -2. देखिए पावर में क्या है -2. अगर इसको नीचे में लेके चल जाएंगे तो मेरा पावर हो जाएगा +2. ये कर दिए हैं देखिए 1/-4 to the power 2. तो -4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, -4 into -4, ये मेरा हो गया है 1/16. नंबर 3, 1/2 to the power -5. तो ये -5 है, इसको नीचे लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा. इसको नीचे लेके जाएंगे तो ये मेरा हो जाएगा 1/1/2 to the power 5. मेरा पावर हो जाएगा प्लस में. ये देखिए ये मेरा है 1/1 to the power 2. अगर ऐसा है तो ये 2 जो है वो ऊपर चल जाएगा और ये मेरा बन जाएगा 2 to the power 5. ठीक है, देखिए ये मेरा बन गया है 2 to the power 5. तो 2 जो है उसको 5 बार लिख लिया, ये मेरा हो गया है 32. अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है. क्वेश्चन नंबर 2 ये कहता है सिंप्लीफाई एंड एक्सप्रेस द रिजल्ट इन पावर नोटेशन विद पॉजिटिव एक्सपोनेंट. यहाँ पर हमको सिंप्लीफाई करना है और इसको एक्सप्रेस भी करना है. किसमें, पॉजिटिव नोटेशन में. ठीक है, किसमें, पावर नोटेशन को पॉजिटिव एक्सपोनेंट में. कैसे होगा देखिए. नंबर 1 दिया हुआ है -4 to the power 5 / -4 to the power 8. ये है क्वेश्चन 2 का 1. हमको यहाँ पर दिया हुआ था क्वेश्चन में -4 to the power 5 / -4 to the power 8. तो हम देख सकते हैं कि यहाँ पे क्या दिया हुआ है, डिवाइड, और बेस क्या है मेरा सेम, यानी कि ये भी सेम है और ये भी सेम है. तो हम लोग पढ़े थे कि अगर बेस मेरा दोनों सेम हो जाता है और यहाँ पर बीच में डिवाइड है तो बेस सेम रहेगा और डिवाइड अगर रहेगा बीच में तो पावर क्या हो जाएगा. ये जो दोनों पावर है, ये जो दोनों पावर है, ये दोनों पावर मेरा हो जाएगा माइनस में. ठीक है, क्योंकि बीच में डिवाइड है. देखिए ये मेरा बेस हो गया था सेम यानी कि -4 और पावर हो गया है 5 - 8 यानी कि -4 to the power -3. ये -3 पावर में है तो +3 करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमको 1 से डिवाइड कर देना पड़ेगा. तो ये मेरा हो गया है 1/-4 to the power +3. पावर नोटेशन विद पॉजिटिव एक्सपोनेंट यानी कि जो पावर में नंबर रहेगा वो मेरा एक पॉजिटिव नंबर रहेगा, यानी कि पावर नोटेशन जो रहेगा वो मेरा एक पॉजिटिव एक्सपोनेंट रहेगा. ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट नंबर 2 यहाँ पर दिया हुआ है 1/2 to the power 3 और ये पूरा का स्क्वायर है. ठीक है, देखिए ये मेरा हो जाएगा 1 का स्क्वायर और ये मेरा हो जाएगा 2 to the power 3 का भी स्क्वायर. तो ये मेरा हो जाता है 1 का स्क्वायर मतलब 1 भी डिवाइडेड बाई, हमको पता है कि पावर का पावर क्या होता है, पावर का पावर मेरा होता है मल्टीप्लाई, यानी कि ये 3 है तो इसके साथ मेरा मल्टीप्लाई हो जाएगा 2. तो ये मेरा हो जाएगा 3 2 6 यानी कि आंसर हो गया है 1/2 to the power 6. ओके, पावर नोटेशन विद पॉजिटिव एक्सपोनेंट. ये पावर में नंबर था वो 6 है तो 6 क्या है, 6 मेरा एक पॉजिटिव नंबर है, इसलिए ये मेरा हो गया है पावर नोटेशन विद पॉजिटिव एक्सपोनेंट. जो पावर में है वो मेरा एक पॉजिटिव नंबर है.
नंबर थ्री देखिए, हमको दिया हुआ है -3^4 × 5/3^4। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि ये वाला जो बेस नंबर है और ये वाला जो नंबर मेरे पास है बेस में, वो क्या है, सेम नहीं है, ठीक है, वो मेरा कॉमन नहीं है। लेकिन जो पावर है वो मेरा कॉमन है, देखिए ये 4 है और ये भी 4 है। तो अगर मेरा पावर कॉमन हो जाता है और बेस कॉमन नहीं होता है तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पर सबसे पहले करेंगे कि -3 को डिवाइड कर लेंगे अलग से। देखिए -3 था टू द पावर 4, तो यहाँ पर हम लोग -3 में से -1 को अलग कर लिए टू द पावर 4 इंटू हम लोग यहाँ पर 3^4 कर लिए, ठीक है। इस तरीके से हम लोगों ने -3 को ब्रेक कर लिया है, क्योंकि हमको पता है कि -3 मतलब क्या होता है, -3 का मतलब होता है -1 × 3, ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको आएगा -3, इसलिए -1 को अलग कर लिए और 3 को अलग कर लिए। फिर यहाँ पर दिया हुआ था 5/3^4, यानी कि ये मेरा है 5/4 और ये मेरा है 3/4, ठीक है। देख सकते हैं कि ये मेरा 3/4 था, ये मेरा 3/4 था, ये कट गया, और -1^4, तो -1^4 अगर कोई नंबर रहता है तो हमको पता है कि कोई भी अगर नेगेटिव नंबर है, तो कोई भी नेगेटिव नंबर के पावर में अगर मेरा पॉजिटिव नंबर रहता है तो वो मेरा एक पॉजिटिव नंबर बन जाता है, यानी कि -1^4 का जो आंसर आएगा वो मेरा आएगा 1, ठीक है। ये देखिए, ये मेरा आ गया आंसर 1 और यहाँ पे हो गया है × 5^4, यानी कि मेरा जो फाइनल आंसर है वो बन गया है 5^4, ओके। अब देखिए नंबर 4, ये दिया हुआ है 3^-7/3^-10 × 3^-5। तो देखिए बेस यहाँ पर 3 है और बेस यहाँ भी 3 है और बीच में क्या है, डिवाइड है, तो बेस सेम है, बीच में डिवाइड है, तो पावर क्या होगा, पावर मेरा हो जाएगा माइनस, ठीक है, ये पावर मेरा दोनों क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। देखिए ये हो गया बेस 3, यहाँ पे था मेरे पास -7, उसके बाद था मेरे पास यहाँ पर -10, दोनों क्या हो गया है, माइनस हो गया है, तो ये मेरा हो जाता है -7 − -10, ये हो गया है मेरे पास 3^-5, तो ये माइनस मिला के हो जाता है प्लस, यानी कि 3^-7 + 10, और ये हो गया 3^-5। देखिए फिर यहाँ पर दोनों बेस मेरा सेम हो गया है, यहाँ भी 3 है और यहाँ भी 3 है, लेकिन यहाँ पर बीच में क्या है, बीच में इंटू है, तो ये वाला जो है पावर में, ये वाला पावर में और यहाँ पे है मेरे पास पावर में -5, ये क्या हो जाएगा, ये दोनों मेरा प्लस हो जाएगा क्योंकि बीच में इंटू है। ये मेरा हो गया है देखिए नीचे में 3 ऊपर में -10, ये मेरा हो गया है नीचे में 3 ऊपर में -7 + 10 + -5, ठीक है, ये प्लस और माइनस मिला के क्या हो जाएगा, माइनस, यानी कि ये मेरा हो गया है नीचे में 3 ऊपर में -7 + 10 - 5, ये मेरा हो गया 3^-12 + 10, यानी कि 3^-2। तो इसको जो पावर में -2 है उसको प्लस में लाने के लिए क्या करेंगे, हम लोग डिवाइड कर देंगे 1 से, यानी कि ये मेरा हो जाएगा 1/3^2, यानी कि जो पावर नोटेशन में है वो मेरा एक पॉजिटिव एक्सपोनेंट हो गया। देखिए पावर नोटेशन विद पॉजिटिव एक्सपोनेंट्स, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है नंबर 5, ये कहता है 2^-3 × -7^-3। देख सकते हैं कि नीचे का जो नंबर है वो दोनों अलग अलग है, एक जगह 2 है और एक जगह -7 है, लेकिन पावर का जो नंबर है दोनों ही सेम है, -3 और -3। तो अगर पावर का नंबर मेरा सेम है तो इसको हम लोग कॉमन कर लिए -3, और नीचे का जो दो नंबर है उसको हम लोग क्या किए हैं, उसको हम लोग मल्टीप्लाई किए हैं, क्योंकि यहाँ पर देखिए बीच में मल्टीप्लाई का साइन था, इसलिए यहाँ पर हम लोग दो नंबर को मल्टीप्लाई कर दिए हैं नीचे वाला, और पावर जो था जो सेम था उसको निकाल लिए हैं ऊपर में कॉमन करके। ये मेरा हो गया है 2 × −7, यानी कि -14 पावर में -3, तो पावर को प्लस करने के लिए हम लोग डिवाइड कर दिए हैं 1 से, ये मेरा हो गया है 1 / -14^+3,
ठीक है, ये मेरा हो गया है पावर नोटेशन विद पॉजिटिव एक्सपोनेंट, यानी कि जो पावर में है वो मेरा एक पॉजिटिव एक्सपोनेंट है। अब देखिए नंबर थ्री क्या बोलता है, ये है नंबर थ्री, कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ, यहाँ पर हमको कुछ दिया हुआ है एक्सपोनेंट में और इसका हमको निकालना है वैल्यू, ये बोल रहा है, कैसे होगा ये चेक करते हैं। ये है क्वेश्चन नंबर थ्री, थ्री का वन हमको दिया हुआ है 3 to the power 0 प्लस 4 to the power -1 into 2 to the power 2, यानी कि ये हमको क्वेश्चन में दिया हुआ है। ओके, तो हमको पता है कि कोई भी नंबर के पावर में अगर जीरो हो जाता है तो वो नंबर मेरा बन जाता है 1 प्लस 4 to the power -1। ये जो माइनस वन है पावर में, उसको प्लस में करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, 1 से डिवाइड कर देंगे, ये मेरा बन जाएगा 1/4 to the power 1 और इनटू में था यहाँ पर 2 का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर मेरा होता है 4, तो ये मेरा हो गया है 4। अब ये मेरा बन जाता है 1 + 1/4 × 4, तो जो ब्रैकेट में है पहले उसको सॉल्व कर लेंगे, यानी कि ये मेरा बन जाता है सॉल्व करने के बाद 4 + 1/4, तो यहाँ पर हो गया है मेरा 4 + 1/4 और यहाँ पे था मेरे पास × 4, ये दोनों कट गया, मेरे पास आता है 4 + 1 यानी कि 5। ठीक है, अब देखिए नंबर टू को दिया हुआ है 2 to the power -1 into 4 to the power -1 डिवाइड बाई 2 to the power -2, जो माइनस माइनस में पावर यहाँ पर दिख रहा है इसको हम लोग प्लस में कर देंगे, यानी कि 1/2 to the power 1 into 1/4 to the power 1, देखिए पावर मेरा सब प्लस में आ गया, ठीक है, डिवाइड बाई 1/2 to the power 2, तो पावर मेरा प्लस में आ गया। आप देखिए ये जो मेरा आया है यहाँ पर 1/2, इसको हम लोग मल्टीप्लाई कर दिए हैं, देखिए 1/2 × 1/4, और यहाँ पर क्या था, ये मेरा था डिवाइड में, तो अगर इसको हम लोग इंटू में कर देंगे, यानी कि डिवाइड के जगह पे अगर हम लोग यहाँ पर इंटू कर देंगे, ये क्या हो जाएगा, ये मेरा उल्टा हो जाएगा, यानी कि 2 का स्क्वायर जो है वो मेरा नीचे में था यहाँ पर, तो इंटू करने के बाद वो मेरा ऊपर में चल जाएगा। ठीक है, तो ये मेरा हो गया है 1/2 × 1/4 × 4/1, ये 4 कट गया, तो मेरे पास आंसर आ गया 1/2। ओके, अब देखिए नंबर थ्री हमको यहाँ पर दिया हुआ है 1/2 to the power -2 प्लस 1/3 to the power -2 प्लस 1/4 to the power -2। अब हम लोग देख सकते हैं कि ये पावर जो है, देखिए वो सब -2 है -2 है -2, यानी कि सब माइनस माइनस में है। प्लस में करने के लिए क्या करना पड़ेगा, प्लस में करने के लिए हमको 1 से डिवाइड कर देना पड़ेगा, देखिए हम लोग सब 1 से डिवाइड कर दिए हैं, ये मेरा हो गया है 1/2 to the power 1/2 to the power 1/3 to the power 2 प्लस 1/4 to the power 2। इस तरीके से हम देख सकते हैं कि मेरे पास यहाँ जो वैल्यू है वो मेरा आ गया है 1/1/4, 1/1/9, 1/1/16। ओके, इस तरीके से हो गया है। अब यहाँ पर देख सकते हैं इसको हम लोगों ने सॉल्व किया है, तो 1/1/4, इसका मतलब ये मेरा 4 चल जाएगा ऊपर, ये मेरा बन जाता है 4/1, फिर ये मेरा बन जाता है 9/1, फिर ये मेरा बन जाता है 16/1, यानी कि ये मेरा बन गया है 4 + 9 + 16, यानी कि ये मेरा बन गया है 29। ओके, इस तरीके से हम लोगों ने इसका आंसर निकाल लिया। अब देखिए नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है नंबर 4, यहाँ पे हमको दिया हुआ है 3 to the power -1, फिर हमको दिया हुआ है यहाँ पर प्लस में 4 to the power -1, फिर हमको दिया हुआ है यहाँ पर 5 to the power -1, और ये जो टोटल यहाँ पर दिया हुआ है इसको बोल रहा है ब्रैकेट में करके और पावर में दिया हुआ है 0। देखिए यहाँ जो पावर है वो क्या है, 0 है, तो हमको पता है कि कोई भी नंबर के पावर में अगर मेरा 0 चलाता है तो वो नंबर मेरा 1 बन जाता है। ठीक है, हम लोग को फिर इसको सॉल्व करने का कोई जरूरत नहीं है, ठीक है, क्योंकि इसका पावर में हमको ऑलरेडी 0 दिया हुआ है, तो पावर में 0 दिया हुआ है तो मेरे पास आंसर इसका कुछ भी आए, यहाँ पर कोई भी आंसर मेरा आ जाए, लेकिन मेरा पावर में 0 है तो इसका आंसर मेरा 1 ही आएगा। नंबर 5 देखिए, यहाँ पर दिया हुआ है -2/3 to the power -2 और पावर का पावर हमको दिया हुआ है 2। ठीक है, तो
हम देख रहे हैं कि यहाँ पर माइनस टू है, तो अगर ये वाला माइनस में है तो प्लस में करने के लिए क्या करना पड़ेगा? प्लस में करने के लिए हमको वन से डिवाइड करना पड़ेगा, तो अगर हम लोग इसको वन से डिवाइड कर देंगे तो ये मेरा क्या हो जाएगा, ये मेरा हो जाएगा वन डिवाइड बाई माइनस टू बाई थ्री, ये मेरा हो जाएगा वन डिवाइड बाई माइनस टू बाई थ्री, और जो पावर है वो मेरा हो जाएगा प्लस में, यानी कि ये मेरा हो जाएगा टू। तो इस तरीके से ये मेरा चेंज हो जाएगा पावर, ठीक है। तो हम देख सकते हैं कि अगर ये वाला मेरा वन डिवाइड बाई हो जाएगा तो इसके वैल्यू क्या आ जाएगा, ये थ्री मेरा चल जाएगा ऊपर, तो थ्री मेरा चल गया ऊपर और नीचे में आ गया है माइनस टू, और इसका पावर क्या हो गया है, इसका पावर मेरा हो गया है प्लस टू। देखिए ये वाला मेरे पास आ गया माइनस थ्री डिवाइड बाई टू और इसके पावर में है टू, और क्वेश्चन में हमको पावर का पावर दिया हुआ है टू। ये देखिए पावर का पावर हमको दिया हुआ है यहाँ पर, तो ये टू इंटू टू करने से क्या हो गया, टू टू जो फोर हो गया, और यहाँ पर हो गया है माइनस थ्री बाई टू। यहाँ पर था मेरे पास थ्री बाई माइनस टू, लेकिन यहाँ पर आ गया है माइनस थ्री बाई टू। हम लोग कभी भी अगर इस तरीके से लिखते हैं नंबर थ्री बाई माइनस टू, तो हमेशा ध्यान रखना है कि माइनस का जो साइन रहेगा वो हमेशा न्यूमरेटर में ही आएगा, यानी कि ये वाला जो थ्री बाई माइनस टू लिखे हैं तो इसको हम लोग को लिखना पड़ेगा माइनस थ्री बाई टू टू द पावर टू, क्योंकि जो माइनस का साइन रहता है वो हमेशा न्यूमरेटर वाला नंबर के साथ में रहता है, माइनस का साइन कभी भी डिनोमिनेटर वाला नंबर के साथ में नहीं रहता है। इसलिए हम लोग यहाँ पर थ्री बाई माइनस टू को लिख सकते हैं माइनस थ्री बाई टू। ओके, क्या हो जाएगा माइनस थ्री बाई टू टू द पावर फोर, और इसको हम लोग सॉल्व किए हैं तो ये मेरा हो गया है, देखिए थ्री इंटू थ्री इंटू थ्री इंटू थ्री डिवाइड बाई टू इंटू टू इंटू टू इंटू, यहाँ पर ये जो भी थ्री है ये सब माइनस में है, ठीक है, माइनस थ्री माइनस थ्री माइनस थ्री माइनस थ्री। तो देखिए ये माइनस माइनस हो गया प्लस और ये माइनस माइनस हो गया प्लस, यानी कि थ्री थ्री जो नाइन और मेरा साइन हो गया प्लस का, क्योंकि हमको पता है कि माइनस माइनस प्लस होता है। फिर इंटू ये मेरा हो गया है थ्री थ्री जो नाइन और साइन हो गया है प्लस का, यानी कि ये मेरा हो गया है प्लस नाइन इंटू प्लस नाइन, यानी कि 81 और नीचे में हो गया है 16, तो मेरा जो फाइनल आंसर है वो मेरा आ गया है 81 बाई 16, ठीक है। अब देखिए नंबर फोर क्या बोलता है, ये है नंबर फोर, कहता है इवेल्युएट करने के लिए 8 टू द पावर माइनस 1 इंटू 5 टू द पावर 3 डिवाइड बाई 2 टू द पावर माइनस 4, और हमको एक दिया हुआ है यहाँ पर ब्रैकेट में 5 टू द पावर 1, और नंबर टू में हमको दिया हुआ है 5 टू द पावर माइनस 1 इंटू 2 टू द पावर माइनस 1 इंटू 6 टू द पावर माइनस 1। ये कैसे होगा ये चेक करते हैं। ये है नंबर फोर का वर्ड, हमको दिया हुआ है 8 टू द पावर माइनस 1 इंटू 5 टू द पावर 3 इंटू 2 टू द पावर माइनस 4। तो देखिए ये वाला जो 8 टू द पावर माइनस 1 है इसको हम लोग 1 से डिवाइड कर देंगे तो ये मेरा बन जाएगा 1 बाई 8 टू द पावर 1। उसके बाद ये हमको दिया हुआ था प्लस में, यानी कि मेरा पावर प्लस में है तो इसको हम लोग चेंज नहीं किए हैं, ये मेरा हो गया है 5 टू द पावर 3 ऊपर में। ये हमको दिया हुआ था 2 टू द पावर माइनस 4, तो इसको हम लोग ऊपर लेके चल जाएंगे तो ये मेरा हो जाएगा 2 टू द पावर प्लस 4। देखिए हम लोग नीचे से ऊपर लेके चल गए, ये मेरा हो गया है 2 टू द पावर प्लस 4। इसको हम लोग सॉल्व कर लिए 1 बाई 8 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5, और यहाँ पर कर लिए 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। इस तरीके से करने के बाद जब इसको सॉल्व किए हैं तो हमको यहाँ पर आंसर मिल गया है 250। ओके, अब देखिए नंबर टू, यहाँ पे हमको दिया हुआ है 5 टू द पावर माइनस 1 इंटू 2 टू द पावर माइनस 1 इंटू 6 टू द पावर माइनस 1। तो देखिए सबके पावर माइनस 1 में है, तो हम लोग इसको प्लस में करेंगे तो क्या होगा, इसको प्लस में करेंगे तो मेरा जो आंसर है वो हो जाएगा 1 बाई 5 इंटू 1 बाई 2 इंटू 1 बाई 6। तो सब देखिए डिवाइड हो जाएगा 1 से, तो 1 से डिवाइड हो गया है तो ये मेरा आंसर क्या हो जाएगा, ये मेरा हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाई 5 इंटू 2 इंटू 6, यानी कि 1 बाई 60, ये मेरा आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन 5 क्या बोलता है, ये है क्वेश्चन 5, ये कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ n इन विच
5 to the power m divided by 5 to the power minus 3 is equal to 5 to the power 5. यहाँ पर हमको m का जो वैल्यू है उसको निकालने के लिए बोल रहा है. कैसे होगा आइए देखते हैं. ये है क्वेश्चन नंबर 5. यहाँ पर हमको दिया हुआ है क्वेश्चन में ये वाला इक्वेशन, जहाँ पर हमको बोलता है कि 5 टू द पावर हमको दिया हुआ है m डिवाइड बाई 5 टू द पावर माइनस 3 इज इक्वल टू 5 टू द पावर 5. देखिए बेस में यहाँ पर सब 5 है, यहाँ भी 5 है, यहाँ भी 5 है और यहाँ भी 5 है. ठीक है, तो देख सकते हैं कि यहाँ पर मेरे पास है माइनस 3, तो हमको पता है कि माइनस को प्लस में करने के लिए क्या करना पड़ेगा. हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर मेरा जो साइन है वो मेरा है डिवाइड का. ठीक है, तो देखिए यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, ये मेरा डिवाइड था, ये डिवाइड को हम लोग इंटू किए हैं, तो जब डिवाइड को इंटू किए हैं तो ये मेरा क्या हो जाएगा, उसके बाद इंटू करने से ये मेरा हो जाता है उल्टा, यानी कि ये ऊपर में है 5 टू द पावर माइनस 3, ये मेरा चेंज होके नीचे में हो जाएगा 5 टू द पावर माइनस 3, क्योंकि हम लोग डिवाइड को इंटू करेंगे तो मेरा जो नंबर रहेगा वो मेरा चेंज हो जाएगा यानी कि उल्टा हो जाएगा. तो ये मेरा हो गया 5 टू द पावर m और डिवाइड की जगह में हो गया है इंटू, और ये मेरा हो गया है 5 टू द पावर माइनस 3 के जगह में 1 बाई 5 टू द पावर माइनस 3. ओके, और ये मेरा हो गया इक्वल टू 5 टू द पावर 5. अब देखिए ये वाला माइनस में है, यानी कि पावर जो है माइनस में है, ये पावर को प्लस में करने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये वाला 5 टू द पावर माइनस 3 को ऊपर लेकर चल जाएंगे तो ये मेरा पावर प्लस में हो जाएगा, यानी कि 5 टू द पावर m इंटू 5 टू द पावर प्लस 3 इज इक्वल टू 5 टू द पावर 5. देखिए बेस मेरा क्या है, 5 है, बेस 5 है, तो बेस मेरा 5 है और बीच में मेरा इंटू है, ये मेरा क्या हो जाएगा, बेस 5 बीच में इंटू, इसलिए जो पावर है वो मेरा प्लस हो जाएगा, यानी कि ये मेरा हो गया है बेस में 5 और पावर में m प्लस 3 इज इक्वल टू 5 टू द पावर 5. अब देखिए यहाँ पर ये 5 कॉमन है और इक्वल टू के बाहर में ये 5 कॉमन है, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड में देख रहे हैं कि ये 5 नीचे में है बेस, और राइट हैंड साइड में देख रहे हैं कि ये 5 नीचे में है यानी कि बेस में, तो ये 5 और ये 5 कट जाएगा, तो मेरे पास जो मिलेगा वो है m प्लस 3 इज इक्वल टू 5. यहाँ से हमको m का वैल्यू मिल जाएगा 5 माइनस 3, यानी कि m इज इक्वल टू मेरा हो जाएगा 2. ओके, इस तरीके से हम लोग यहाँ पर m के वैल्यू को निकाल सकते हैं. अब देखिए नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6. देखिए क्या बोलता है, ये है क्वेश्चन 6. ये कहता है इवेल्युएट करने के लिए यहाँ पर जो हमको दिया हुआ है उस नंबर को. ठीक है, तो इसको हम लोग कैसे इवेल्युएट करेंगे आइए देखते हैं. ये है नंबर 6, यहाँ पर हमको दिया हुआ है 6 के 1 में, ये वाला क्वेश्चन में दिया हुआ है हमको 1/3 टू द पावर माइनस 1, फिर कहता है माइनस 1/4 टू द पावर माइनस 1. फिर ये जो दोनों नंबर है दोनों को ब्रैकेट में डाल के बोलता है इसका जो पावर होगा वो मेरा होगा माइनस 1 का. ठीक है, देन ध्यान से देखिए यहाँ पर कहता है ये वाला पावर जो है वो है माइनस 1, तो इसको माइनस 1 को चेंज करने के लिए प्लस 1 में क्या करेंगे, ये नंबर को उल्टा कर देंगे, यानी कि 1/3 को उल्टा कर देंगे, ये मेरा बन जाएगा 3, ये मेरा बन गया 3 टू द पावर, देखिए पावर हो गया है प्लस 1 माइनस 1/4, इसको उल्टा कर दिए हैं तो पावर क्या हो गया है 4, और ये मेरा हो गया है देखिए पावर में प्लस 1, ये मेरा हो गया है प्लस 1. ठीक है, यानी कि 3 माइनस 4, 3 टू द पावर 1 माइनस 4 टू द पावर 1, और उसके ऊपर में क्या था माइनस 1. ठीक है, तो ये मेरा क्या हो जाएगा, 3 माइनस 4 करने से क्या होता है माइनस 1, और पावर में क्या है, पावर में है माइनस 1, तो माइनस 1 जो पावर में है उसको प्लस 1 करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हम लोग उसको 1 से डिवाइड कर देंगे, यानी कि ये मेरा हो जाएगा 1/-1 टू द पावर प्लस 1, पावर में हो जाएगा प्लस 1. तो इसको हम लोग बोल सकते हैं कि मेरा यहाँ पर जो आंसर है वो मेरा आ गया माइनस 1. ठीक है, नंबर 2 देखिए, यहाँ पर दिया हुआ है 5/8 टू द पावर माइनस 7 इंटू 8/5 टू द पावर माइनस 4. अगर इसको हम लोग प्लस में करेंगे तो क्या होगा, तो इस माइनस 7 को अगर हम लोग प्लस में करेंगे तो ये जो नंबर है वो क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, यानी कि रिवर्स हो जाएगा,
तो 5 by 8 मेरा बन जाएगा 8 by 5 और पावर हो गया है मेरा प्लस 7। वैसे ही 8 by 5 to the power minus 4 जो है वो मेरा हो जाएगा 5 by 8। देखिए 5 by 8 यानी कि उसको रिवर्स कर दिए तो मेरा पावर क्या हो गया, प्लस में हो गया। ओके तो इसको हम लिख लिए हैं, यानी कि 8 by 5 को हम लोग यहाँ पर लिख लिए हैं। ठीक है, हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि 8 को हम लोग लिखे हैं ऊपर में 7 टाइम्स और फिर नीचे में लिखे हैं 5 को हम लोग 7 टाइम्स। सिमिलरली बीच में इंटू था तो यहाँ पर हम लोग इसको इंटू कर दिए हैं और फिर हम लोग यहाँ पर लिखे हैं 5 को 4 टाइम्स और फिर हम लोग यहाँ पर लिखे हैं इसको 8 को 4 टाइम्स। तो ये मेरा हो गया है कट करने से। देखिए ऊपर नीचे हम लोग कट किए हैं, ये 8 को कट किए हैं नीचे वाले 8 से और ये 5 को कट किए हैं हम लोग यहाँ पे ऊपर वाले 5 से। तो हमको यहाँ पर मिल गया है 512/125 फाइनल आंसर। ठीक है, इस तरीके से हम लोगों ने इसको सॉल्व किया है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7। यहाँ पर हमको बोलता है कि यहाँ पर जो 1 और 2 में जो भी हमको दिया हुआ है उसको हमको सिंप्लीफाई करना है। ये किस तरीके से सिंप्लीफाई करेंगे आइए चेक करते हैं। ये है नंबर 7। 7 का 1 हमको दिया हुआ है क्वेश्चन में 25 × t⁻⁴ डिवाइड बाई 5 × 10 × t⁻⁸। ये हमको दिया हुआ है यहाँ पर क्वेश्चन। तो हम देख सकते हैं कि यहाँ पर हमको एक चीज दिया हुआ है, यानी कि नंबर भी दिया हुआ है और एक वेरिएबल भी दिया हुआ है, यानी कि t मेरा हो गया है एक वेरिएबल और 25, 5, 10 मेरा हो गया है नंबर। तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पर ये वाला जो वेरिएबल है ये वेरिएबल को हम लोग अलग से सॉल्व करेंगे और ये वाला जो नंबर है ये हम लोग नंबर को अलग से सॉल्व करेंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पर हम लोग कर लिए हैं 25 जो दिया हुआ था हमको यहाँ पर, ये वाला हो गया है मेरा 25 और फिर हम लोग यहाँ पर क्या किए हैं इंटू किए हैं 5 to the power 3, यानी कि यहाँ पर जो नंबर दिया हुआ था 5 to the power -3 उसको हम लोग प्लस में करेंगे, यानी कि इसको हम लोग अगर 5 to the power +3 करेंगे तो ये वाला जो नंबर नीचे में ये मेरा ऊपर चल जाएगा। देखिए ये मेरा ऊपर आ गया है, ये मेरा हो गया है 25 × 5 to the power 3 और नीचे में क्या था 10। देखिए नीचे में मेरे पास 10 रह गया। ठीक है, तो मेरे पास हो गया 25 × 5 to the power 3 और नीचे में रह गया मेरे पास 10। फिर यहाँ पर देखिए मेरे पास क्या था t⁻⁴, ये मेरा हो गया t⁻⁴ और ये वाला था नीचे में t⁻⁸। तो ये वाला माइनस को प्लस में करने के लिए हम लोग ऊपर लेके चल जाएंगे, ये ऊपर लेके चल गए, ये मेरा हो गया है (t⁻⁸)। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर इसको हम लोग कट किए हैं नंबर्स को, तो नंबर्स को हम लोग अलग से सॉल्व करेंगे और जो वेरिएबल है उसको अलग से सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो नंबर को कट किए हैं तो हमको मिला है 5 to the power 4 और यहाँ पर नीचे में आ गया है 2। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि t जो है तो t का वैल्यू क्या होगा, t में देख सकते हैं कि यहाँ पर है -4 और यहाँ पर है 8 और बीच में है इंटू, तो इसके बीच में क्या होगा प्लस होगा, यानी कि -4 + 8 5 to the power 4 ये मेरा हो जाता है 625 और नीचे में है 2 और t का वैल्यू मेरा हो गया है -4 + 8 यानी कि +4। ठीक है, इस तरीके से हम लोगों ने इसको सॉल्व किया है और आंसर निकल गया है 625/2 t⁻⁴। ओके, आप देखिए नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट है नंबर 2। यहाँ पर हमको कहता है 3 to the power -5 × 10 to the power -5 × 125 डिवाइड बाय 5 to the power -7 × 6 to the power -5। तो हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर हमको पावर में दिया हुआ है माइनस माइनस करके। ठीक है, इसको सॉल्व कैसे करेंगे आइए देखते हैं। ये वाला जो दिया हुआ है हमको 3 to the power -5 उसको हम लोग यहाँ पर लिख लिए हैं 3 to the power -5। ठीक है, आप देखिए नेक्स्ट यहाँ पर लिखा हुआ था हमको 10 to the power -5 तो ये वाला 10 को हम लोग ब्रेक कर लिए हैं 2 × 5 करके। हमको पता है कि 2 × 5 क्या होता है, 2 × 5 मेरा होता है 10। तो ये वाला हम लोग ब्रेक कर लिए हैं इसको इस तरीके से। तो देख सकते हैं कि ये मेरा हो गया है 2 × 5 to the power -5। ठीक है,
ये 10 के जगह पे आ गया है 2 इंटू 5। फिर यहाँ पर था मेरे पास 125, तो 125 को हम लोग यहाँ पर लिख दिए हैं 5 के पावर में। तो 5 के पावर में अगर 3 कर देंगे, यानी कि ये वाला जो नंबर है 5 टू द पावर 3, ये मेरा हो जाता है 125। अब नीचे में देखिए, यहाँ था मेरे पास 5 टू द पावर माइनस 7, इसको हम लोग कर दिए हैं 5 टू द पावर माइनस 7। यहाँ पे था मेरे पास 6, तो 6 को लिख सकते हैं हम लोग 2 इंटू 3, ये मेरा होता है 6, और पावर में कर दिए हैं माइनस 5। ठीक है, अब देखिए हम लोग क्या किए हैं। हम लोग इसको इस तरीके से लिखने के बाद हम लोग ब्रैकेट को ओपन कर दिए हैं, यानी कि ये मेरा बन गया है 3 टू द पावर माइनस 5, ये यहाँ पर आ गया। उसके बाद देखिए ये मेरा बन जाएगा 2 टू द पावर माइनस 5, देखिए ये मेरा बन गया 2 टू द पावर माइनस 5। फिर ये बन गया मेरे पास 5 टू द पावर माइनस 5, देखिए बन गया 5 टू द पावर माइनस 5। और फिर ये मेरा बन गया था 5 टू द पावर 3, ये बन गया 5 टू द पावर 3। अब देखिए नीचे में क्या हुआ है, नीचे में हो गया यहाँ पर डिवाइडेड बाई 5 टू द पावर माइनस 7, ये हो गया 5 टू द पावर माइनस 7। फिर ये मेरा हो जाएगा 2 टू द पावर माइनस 5, 2 टू द पावर माइनस 5। फिर मेरा ये हो गया 3 टू द पावर माइनस 5, ये मेरा हो गया है 3 टू द पावर माइनस 5। ध्यान से देखिए, ये वाला 3 टू द पावर माइनस 5 कट गया है ये वाला 3 टू द पावर माइनस 5 के साथ। फिर ये वाला 2 टू द पावर माइनस 5 ये कट गया है मेरा 2 टू द पावर माइनस 5 के साथ। ठीक है, तो मेरे पास क्या बच गया, मेरे पास ऊपर में बच गया है ये वाला 5 टू द पावर माइनस 5, और ये वाला मेरे पास बच गया 5 टू द पावर 3, और नीचे में बच गया मेरे पास ये वाला 5 टू द पावर माइनस 7। ओके, तो ध्यान से देखिए, ये वाला जो 5 टू द पावर माइनस 7 नीचे में बच गया है, तो ये वाला पावर क्या है, माइनस में है। तो ये वाला माइनस को अगर प्लस में करेंगे तो हमको नीचे से इसको ऊपर लेके जाना पड़ेगा, तो ये मेरा हो जाएगा 5 टू द पावर प्लस 7, क्योंकि हम लोग इसको नीचे से ऊपर लेके चले गए। और ऊपर में क्या था, ऊपर में था मेरे पास 5 टू द पावर 3 और 5 टू द पावर माइनस 5। तो देखिए हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर बेस जो है वो सब 5 और 5 हो गया है। तो हमको पता है कि बेस मेरा अगर सेम हो जाएगा तो ऊपर का नंबर मेरा क्या हो जाएगा, यानी जो पावर है वो क्या हो जाएगा, वो मेरा हो जाएगा प्लस। प्लस क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पर देख सकते हैं कि बीच में जो साइन है वो सब इंटू का साइन है। अगर इंटू रहता है तो मेरा पावर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ठीक है, ये देखिए ये मेरा हो गया है 5 और पावर मेरा हो गया है माइनस 5 प्लस 10, क्योंकि माइनस 5 प्लस 3 प्लस 7 ये मेरा हो जाता है 3 प्लस 7, यानी कि ये मेरा हो गया है 10। तो इसलिए लिखे हैं यहाँ पर माइनस 5 प्लस 10, तो ये मेरा हो गया 5 टू द पावर प्लस 5, यानी कि 5 टू द पावर प्लस 5 का वैल्यू होता है 3125। ओके, इस तरीके से हम लोगों ने अपना आंसर को निकाल लिया। थैंक यू। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन टू गेट न्यू वीडियो अपडेट्स।